ओखा रेलवे स्टेशन देशनुं टर्मिनल गणाय छे। दरेक राज्यने जोड़ती 5 ट्रेन अने साप्ताहिक 12 ट्रेन एम कुल 17 ट्रेनो कार्यरत छे। दररोज 2500 जेटला यात्रिको आ स्टेशनेथी सफर करे छे। त्यारे भारतीय रेलवे पेसेंजर सुविधा समिति द्वारा ओखा तथा द्वारका स्टेशननुं सरप्राइज चेकिंग करवामां आव्युं हतुं, जेमां स्टेशनना आरपीएफ स्टेशन, सीसीटीवी केमेरा, बाथरूम, पाणीना परब, वेइटिंग रूम, लिफ्ट सुविधा उपरांत अहीं बनता ओवरब्रिजनुं निरीक्षण पण कर्युं हतुं। ओखा स्टेशन मेनेजर मनोज कुमार झाए ओखा स्टेशननी पूरी माहिती आपी हती। कोरोना काळमां बंद करेल ओखा विरमगाम ट्रेन चालु करवा साथे ओखा मथुरा अने ओखा अमृतसर पंजाबनी ट्रेनो चालु करवा लेखित रजूआत करवामां आवी हती। आ प्रसंगे पेसेंजर सुविधा समितिना अध्यक्ष पीके कृष्णदा, सदस्य कैलाशभाई वर्मा, डॉक्टर राजेंद्र फड़के, गिरीश राजगोर, छोटूभाई पाटिल, भजनलाल साथे असिस्टंट कोमिशियल मैनेजर वी चंद्रशेखर अने द्वारका सीएमआई कुंदनभाई खास उपस्थित रह्या हता। मैं कैलाश वर्मा, रेल यात्री सुविधा समिति का सदस्य, आज भावनगर और राजकोट डिवीजन का स्टेशनों का निरीक्षण करने आया हूँ। आज यहाँ जो राजकोट डिवीजन के ओखा स्टेशन का निरीक्षण करने के लिए हम यहाँ आए हैं। ओखा स्टेशन का हमने निरीक्षण करके कई सुविधाओं को, अभाव को हमने वरिष्ठ अधिकारियों को दिया है, जिसमें हमने ब्रिज का, जो ब्रिज है, जो एक्सेलेटर का आने वाले दिनों में स्टेशन को कैसे रिडेवलप करे, और आने वाले दिनों में स्टेशन पे जो होम प्लेटफॉर्म जो बने वहाँ पर सौराष्ट्र मेल, अन्य जो गाड़ियाँ हैं, करीब 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 1.5 से 2 हज़ार यात्री रोज़ यहाँ से रवाना होते हैं। कई गाड़ियों को यहाँ से देश के विभिन्न क्षेत्रों में छोड़ने का, क्योंकि यह ओखा स्टेशन यह टर्मिनल स्टेशन है, तो आने वाले दिनों में यह स्टेशन एक आदर्श स्टेशन के रूप में स्थापित हो, ऐसा हमने निर्देश किया है। शौचालय हो, वेटिंग रूम हो और रैंप हो, विकलांगों के लिए जाने के रास्ता का मार्ग हो, UTS और PRS, ये सारे का निरीक्षण करने के बाद हमने यहाँ पर इसकी सुझाव के बारे में हमने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश किया है। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में यह ओखा स्टेशन एक आदर्श स्टेशन के रूप में स्थापित होगा। आवाज अवनवा वीडियोस माटे अब तक नी चैनल ने सब्सक्राइब, लाइक अने शेयर करता ना भूलशो। आज रीते जोड़ाला रहो अब तक साथे।